तो फ्रेंड्स, ये हमारा है पार्ट टू आपके पॉलिटिकल साइंस का। कल आपका एग्जाम है, तो उसको देखते ही मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में भी इंक्लूड किए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे 17 से लेकर 21 से, 21 से लेकर आगे भी हम पढ़ेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम सारे क्वेश्चन डीपली पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल फोर के बाद मॉड्यूल फाइव आता है, जिसमें ये सांप्रदायिक जाति आरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, अच्छा शासन, मानवाधिकार, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं। क्या पता आपने हिस्ट्री में भी ऐसा किया हो, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं बताती भी हूँ कि फ्रेंड्स ये भी पढ़ के जाइएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है। आप क्या करते हो, स्किप करते रहते हो, बीच में जब मार मार के देखते हो, इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन आप मिस कर देते हो फ्रेंड्स। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और फिर आपका जो फ्रेंड सिक्स्थ मॉड्यूल है आपका, तो इसमें आता है भारत की विदेशी नीति, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एंड में आपको प्रोवाइड भी करूंगी, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और लेकिन जल्दी से अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और हमारी यूजफुल वीडियो आपको भी मिस नहीं करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल लग रही है फ्रेंड्स, तो लाइक बटन दबा के अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर करने का। अब फ्रेंड्स एक बात और बता दें, तो यहाँ तक के जो सारे क्वेश्चन है ये आते हैं आपके पार्ट ए में। तो आपका पेपर जो होता है वो पार्ट टू में होता है, तो सेकंड पार्ट जो होता है आपका बी पार्ट, उसमें आपको फर्स्ट मॉड्यूल वाला अटेम्प्ट करना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है विश्व व्यवस्था के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी इस वीडियो के एंड तक, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट बी लेके मत चलना, पार्ट मतलब बी में फर्स्ट आपको करना है, ठीक है ना। तो वो चैप्टर है आपके 29, 30, 31, 32, तो वो आपकी बुक मतलब दूसरी में थे, तो वो बुक मेरे पास नहीं है अवेलेबल, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 17 व्यस्त मताधिकार, इसमें हम पढ़ेंगे चुनाव प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व की प्रणाली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ना। तो फ्रेंड्स देखो, सार्वभौम व्यस्त मताधिकार आपको पता ही है क्या होता है, मतलब हर 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को बिना किसी जाति भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, वही आपका सार्वभौम व्यस्त मताधिकार होता है, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता, हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, ठीक है ना, जो आपके संविधान में है ना सब, वो उसमें बता चुकी हूँ मैं आपको। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट वीडियो। अब है आपकी प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ क्या क्या है फ्रेंड्स। देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या है और कार्यकारी प्रतिनिधित्व क्या है, इसे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, इसमें जो क्षेत्र का जिसमें क्षेत्र जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो क्षेत्र के आधार पर होता है, और इसमें व्यवसाय के आधार पर होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे कि इस प्रणाली में क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है वो लोगों के सामान्य हितों का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने एक अपने क्षेत्र से किसी को चुना, वो आपके हितों के लिए मतलब काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो ये होता है इसमें कुछ विशेष हितों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे वकील वकील सब वकीलों ने मिलकर अपना एक लीडर चुन लिया, अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया, वो क्या करेगा, वकीलों के हितों का ही ध्यान रखेगा, बाकी और लोगों का ध्यान नहीं रखेगा। तो ये विशेष रूप से अपने ही जैसे इनके सामान्य हित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा दोनों को, बाकी आप अगर ये पढ़ना चाहते हो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैंने आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपसे क्वेश्चन कैसे ही पूछे जाए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाता है उसे एक सदस्य कहा जाता है, और जब एक क्षेत्र से मतलब कई सारे मतलब सदस्यों को निर्वाचन मतलब टिकट दी जाती है, टिकट प्रणाली भी कहते हैं, इसे बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, क्लियर है। फिर आता है आपका सामान्य बहुमत प्रणाली, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में ना जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं ना वही प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, ये है, क्लियर है। अब है एक आता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या होती है मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, इसका मेन चीज़ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अनुपातिक होती है, जैसे कि इसमें क्या होता है, ऐसी प्रणाली में जिसके द्वारा जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, जिनकी संख्या कम होती है, तो वो तथा राजनीतिक दलों को अपनी जनसंख्या के अनुसार है ना, अपने जनसंख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल जाता है, उसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बहुसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में कुछ भी लगा लो, जैसे मुस्लिम अगर इंडिया में देखा था अल्पसंख्यक में आ गए, तो उनको अपना एक प्रतिनिधि चुनने का मतलब अपनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है इस प्रणाली के अंतर्गत, है ना। तो ये होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं के तहत लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को चुने जाने का प्रयास किया जाता है, ताकि कम से कम हर वर्ग की समस्याओं की तरफ, समझ लो, क्योंकि हर वर्ग जो अल्पसंख्यक होगा उनके भी तो हितों का कोई ध्यान रखना चाहिए, तो उनमें से कोई एक आएगा तो वो उनके हितों का ध्यान बेहतर रख पाएगा, ऐसा सबका मानना होता है, ठीक है ना, क्लियर है।
अब इसमें आ जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, हेयर सिस्टम या आंध्र योजना भी कहते हैं। देखो अब पेपर में आपका आ गया आंध्र योजना क्या है, आपने मुझे कमेंट कर दिया मैम हमारा तो क्वेश्चन ही अलग आया, पेपर बड़ा कठिन आया। फ्रेंड्स यही तो है, अब हम डीप पढ़ रहे हैं, अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ क्लियर नहीं कर सकती। अगर आपने अब की ध्यान से वीडियो देख ली तो आप हर तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस प्रणाली में क्या होता है फ्रेंड्स, एक मतदाता केवल एक ही मत देने का अधिकारी होता है, किंतु यदि वह चाहे तो अपना वोट मतलब वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी में भी बदल सकता है। ये उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके लिए उसे मत पत्र पर अपनी वरीयता दर्ज करनी पड़ती है। और इस प्रणाली में मतलब इस प्रणाली में किस कैसे काम किया जाता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रणाली में तीन या उससे अधिक प्रत्याशियों का होना आवश्यक है। ये ऐसे मतलब काम करती है यानी प्रणाली। एक मतदाता वरीयता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशियों को दिया जाता है, किंतु इसके लिए उसे मत पत्र पर 1, 2, 3 जैसा होता है ना लिखा होता है, तथा इसके आगे तक अपनी इच्छा अनुसार वरीयता निर्धारित करनी होती है। मतलब पहला वोट पहले क्रम में आप किसको वोट दोगे, फिर दूसरा नंबर किसको दोगे, तीसरा नंबर, आपके च्वाइस सिस्टम टाइप। मतदाता अपनी सभी वरीयता एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकता, समझो आपने एक ही बंदे के आगे लिख दिया 3 भी 2 भी A भी, नहीं आपको चुनना ही पड़ेगा नंबर 1 आप किसको दोगे, नंबर 2 किसको दोगे, नंबर 3 किसको दोगे। अब क्या होता है वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आने वाले प्रत्याशी जो होता है उसको वोट ही मिलता है, किंतु यदि किसी स्थिति में दो प्रत्याशी बराबर आ गए, मान लो यहाँ पे भी एक आपको जिसने इसको भी 3 दिया है और इसको भी 3 दिया दूसरे बंदे ने, तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों का कोटा निर्धारित किया जाता है तथा उस कोटे के आधार पर उसकी वरीयता जो होती है वो पहले आती है, समझ गए। तो कोटा कैसे निकालते हैं, डाले गए कुल मतों की संख्या मतलब टोटल कितने लोगों ने वोट डाला और कितनी सीटें और प्लस 1, जैसे यहाँ पे है। क्लियर है आपको, समझ आ गया होगा अच्छे से, एक बार उसको फिर से पढ़ लेना। अब है फ्रेंड्स सीमित मत व्यवस्था। सीमित मत व्यवस्था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको पढ़ना है, मैं आपको बता दूँ आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ के जाना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अल्पसंख्यक प्रतिनिधि प्रणाली और बहुसंख्यक। देखो अल्पसंख्यक तो क्लियर है फ्रेंड्स, तो बहुसंख्यक मत प्रणाली क्या होती है, इसमें जो मतदाता होता है उतने मत दे सकता है मतलब जितने की उसमें सीटें हैं, ये इसमें ये फायदा है। और इसमें मतदाताओं के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, कोई भी महिला और पुरुष मतदाता अपने सभी मत प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर सारे के सारे मत एक, समझ रहे हो, जैसे चार प्रत्याशी चारों में बराबर बराबर वो मत दे सकता है और चाहे तो एक ही बंदे को अपने मत दे सकता है, या तो चारों को बांट दे या एक ही को दे दे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, इस बार हम सारे इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आगे सीमित मत प्रणाली, यह प्रणाली उस निर्वाचन क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ पे 3 या 3 से अधिक सदस्यों का चुनाव होना होता है। इसमें एक मतदाता एक से अधिक प्रत्याशियों को मत दे सकता है परंतु सभी प्रत्याशियों को नहीं, यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक मतदाता एक से अधिक मतलब वोट तो वो दे सकता है एक से अधिक, मतलब एक प्रत्याशी को ज़्यादा वोट भी दे सकता है लेकिन सभी प्रत्याशियों को नहीं दे सकता यहाँ पे, और वहाँ पे वो सभी को भी दे सकता है तो चाहे एक को भी दे सकता है, ठीक है ना, सब में भी बांट सकता है वो, तो इसीलिए इसे सीमित मत प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए से किसी निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटें हैं तो प्रत्येक मतदाता 4 प्रत्याशियों को मत दे सकता है, ना कि किसी एक प्रत्याशी को सारे के सारे मत दे सकता है, समझ में आ गया। अब है आगे पुनः मतदान प्रणाली, आपको पता है क्यों होती है, जब मतदान ढंग से नहीं हो रहे तो दोबारा करना पड़ता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा मत प्रणाली में आपको मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स गुप्त मतदान क्या होता है तो आपको बताना आना चाहिए। तो मतदाता जब अपना मत पत्र लेकर गुप्त रूप से अपनी पसंद के अनुसार उसमें अंकित करके मत पेटी में डाल देता है उसे कहते हैं गुप्त मत प्रणाली, जब किसी को पता नहीं चलता। वैसे भारत में गुप्त मत प्रणाली ही रखी गई है, आजकल मशीनों का प्रयोग होने लगा है, बस ये फर्क है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जो सार्वभौम व्यस्त मताधिकार होता है उसके लाभ क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे। तो देखो पहली बात तो राजनीतिक समानता आती है क्योंकि सभी वोट डाल रहे हैं बिना किसी जाति धर्म लिंग भेदभाव के। सेकेंड राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है क्योंकि सभी नागरिकों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है क्योंकि सभी भाग लेते हैं मत प्रणाली में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा होती है क्योंकि आप मिलके वोट डाल रहे हो, एक साथ जा रहे हो वोट डालने, तो आपका आपकी स्वतंत्र अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य हो जाता है जो बन के आती है। और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। तो ये हो गया इसके गुण। लेकिन आपको पता है व्यस्त मताधिकार के कुछ अवगुण भी हैं, वो क्या हो सकता है, देखो योग्यता का अभाव। आप जितने लोग वोट डालने जा रहे हैं जरूरी तो नहीं सारे पढ़े लिखे हों, उन्हें ना समझ भी लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर है, ऐसी वोट डाल के आ जाते हैं। अधिकारों का गलत प्रयोग कर देते हैं, आपका अधिकार है वोट डालना लेकिन आपने पैसे लेके या घूस लेके गलत इंसान को वोट डाल के जिता रहे हो। फिर क्या होता है फ्रेंड्स रूढ़िवादी, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं। और क्या हो सकता है व्यस्त मताधिकार ना कहीं अगर देखा जाए
तो भ्रष्टाचार को भी मतलब वो करता है, क्योंकि सारे वोट डालते हैं वैसे मताधिकार में तो पैसों में भी बिक जाते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कितनी बेरोजगारी है। तो ये सब फ्रेंड्स ये हैं जो कमियां हैं, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया है तो आप क्या बताओगे? तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष होता है जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जिसमें मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हों, ठीक है ना। और वे प्रतिनिधि जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, संसद के और व्यवस्थापिका में अपना पद ग्रहण करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें जनता ने अपने प्रतिनिधि चुना और उन प्रतिनिधियों ने फिर दोबारा किन्हीं मतलब सदस्यों को चुना, किसी सदन के ऊपरी सदन के सदस्य है जैसे लोकसभा राज्यसभा इनके सदस्यों को चुना, वो होते हैं अप्रत्यक्ष में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो आपके प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं, इनडायरेक्ट में आपने भाग लिया, जनता ने फिर जनता के द्वारा प्रतिनिधि ने जो प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने भाग लिया। क्लियर है, प्रत्यक्ष चुनाव में अंत आ सकता है। और प्रत्यक्ष चुनाव के गुण आपको पता ही हैं, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, एक लोकतंत्र प्रणाली, क्योंकि लोग एक सेकंड में फ्रेंड्स थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसमें। ये क्या है फ्रेंड्स, ये मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जो जनता भाग लेती है इसमें, है ना, और अप्रत्यक्ष होता है जो जनता के द्वारा चुने गए लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतदाता, मैं आपको एक मिनट, इसमें एक और बुक है मेरे पास, उसमें से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तात्पर्य इस मतदाता मतलब स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनाव करता है और इस निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा देश की सरकार चलाई जाती है। भारत में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस बताया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसमें से प्लीज़ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को पढ़ लीजिएगा, उसके गुण दोष भी पढ़ के जाइएगा। तो इसी के साथ ये जितना भी पूरे मताधिकार वाला चुनाव प्रक्रिया चैप्टर आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है भारत के चुनाव में चुनावी प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़कर जाना है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, इसका संगठन कैसे किया जाता है कार्यकाल, और इसको हटाया कैसे जा सकता है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी शक्ति और कार्य, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना मतलब चुनावी क्षेत्रों की सीमा निश्चित करना। आपने देखा होगा ना चुनाव आयोग, मैं ऐसी बता देती हूँ निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स। ये तो जो चुनाव करवाते हैं ना, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो वही इनका काम होता है। क्या क्या काम होते हैं, मतदाता सूची तैयार करना जिसमें आपका नाम वाम सब आता है, उपचुनाव ये सब मतलब। और एक बात और याद रखना, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यवर्ती चुनाव। ये आपको पढ़ के जाने, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप देखो कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी डाल रहा है। इस बार आपको पता है NIOS के क्या हालचाल हैं, क्वेश्चंस एकदम ऐसे डाले जा रहे हैं जो आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा मौका ही नहीं देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आम चुनाव क्या होते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा गठित करने के लिए होने वाले जो चुनाव होते हैं आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या होते हैं, यदि किसी समय में लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल के बीच में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या कोई त्याग पत्र दे दे तो उसकी जगह जो खाली जाती है ना उसको भरने के लिए उपचुनाव होते हैं। और मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, यदि 5 साल की कार्यवधि से पहले ही ये भंग हो जाए लोकसभा विधानसभा, तो इसके लिए दोबारा फिर जो चुनाव होते हैं उन्हें मध्यवर्ती कहते हैं। क्लियर हो गया डिफरेंस। अब है राजनीतिक दलों को मान्यता, ना आपको पता ही है राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं, ये मान्यता देते हैं, ठीक है ना, सबका एक एक चिन्ह आ जाता है, आप आगे पढ़ोगे। सॉरी कौन सा दल मतलब इलेक्शन में खड़ेगा, BJP कांग्रेस, तो जितने भी दल हैं वो मान्यता देते हैं कि तुम्हारा ये दल है, हाँ भाई ठीक है तुम्हारा दल ठीक है काम करेगा। नेक्स्ट आपका है चिन्ह बांटना, BJP का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, ये आपको पता ही है, चिन्ह भी यही बांटते हैं चुनाव चिन्ह। चुनाव कराने वाले अधिकारी कौन कौन से होते हैं, इसमें फ्रेंड्स 3 अधिकारी आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और चुनाव अधिकारी। अब इनके क्या क्या कार्य हैं आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ रहे चुनाव कराने वाले अधिकारियों के बारे में बताइए, ये सिंपली आपसे पूछ रहे रिटर्निंग अधिकारी क्या करता है उसके काम बताइए, तो आप ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही मैं एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया आपसे पूछ ली जाती है स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सबसे पहले अधिसूची जारी होती है, ठीक है ना, अधिसूची जारी करते हैं, फिर नामांकन पत्र भरे जाते हैं, ये तो आपको मुझे पता ही नहीं, आप सबको पता ही होगा क्या क्या होता है वोटिंग चुनावों में ही देखते हो। फिर सुरक्षा राशि जमा करानी पड़ती है हर उम्मीदवार को, भाई पैसे भी देने पड़ेंगे है ना जब तुम इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो। फिर जाँच और नाम वापस लेना, अगर किसी को मतलब यहाँ पर क्या होता है रिटर्निंग अधिकारी ये काम करता है, यदि उम्मीदवार की आयु कम है या उसने सुरक्षा राशि जमा नहीं कराई या उसके पास कोई लाभ पद है, तो ऐसी स्थिति में या तो उसके जांच करवाता है और फिर नाम वापस ले लेता है अगर ठीक नहीं बैठा तो। फिर चुनाव प्रचार स्टार्ट हो जाता है जी, आपके घर घर आके हमें वोट दो हमें वोट दो जो चीज़ें वो करते हैं दल आपके, ठीक है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स,
ये आपका सारी जनसभाएं करना, ये सारे तरीके हैं चुनाव प्रचार के, अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि प्रचार के तरीके क्या क्या अपनाते हैं, तो आप ये पॉइंट ले सकते हैं। सभाएं करना, दल के व्यक्ति द्वारा घर घर जाके निवेदन करना, भाषणों द्वारा टीवीओं पर दिखाया जाना, ठीक है, ये सब पर्चे बंटवाना, ये आप लिख सकते हो। फिर आता है फ्रेंड्स आदर्श आचार संहिता। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, सभी राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार होते हैं या राजनीतिक होते हैं, तो उन दलों को आपसी सहमति के आधार पर जो चुनाव आयोग ने एक आचार संहिता होती है ना, कुछ रूल्स होते हैं सेट किए हुए, तो उनको फॉलो करना होता है। तो वो क्या क्या है वो यहाँ पे आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पूछा जाता है कभी कभी कि आचार संहिता क्या है, बताइए चुनाव आयोग की। इसके बाद फ्रेंड्स खर्चे की जांच पड़ताल की जाती है, मतलब चुनाव आयोग देखता है कि जितने भी मतलब जो राजनीतिक दल हैं वो मतलब ज़्यादा तो पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा पैसा तो नहीं मतलब लगा रहे हैं चुनावों के दौरान, मतलब त्रुटि पाई जाए कि ज़्यादा अव्यय कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक लिमिटेड पैसे एक राशि दी जाती है, उसी में इनको पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यूज़ करना होता है, ठीक है ना। फिर एंड में तुम्हें पता ही है वोट हो गए, फिर इसके बाद गिनती होती है, गणना होती है और परिणाम घोषित कर दिया जाता है कि हाँ जी बीजेपी जीत गई, कांग्रेस जीत गई। क्लियर है आपको यहाँ तक? अच्छा, आपसे ईवीएम के बारे में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इसके बारे में मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि ज़रूरत है, क्योंकि वोट आप डाल सकते हो और डालने योग्य हो गए हो, कई तो 18 प्लस हो चुके होंगे और डाला भी होगा, तो आपको पता होगा ये मशीन क्या होती है और कैसे कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो ये इसकी फ़ोटो है, बाकी इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कैसे निर्वाचन आयोग काम करता है, उसमें कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चुनाव प्रक्रिया के कुछ दोष भी होते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, धन बल, कई लोग पैसा खिला खिला के मतलब पार्टियाँ जो होती हैं वो गलत मतलब तरीके से वोट ले लेते हैं, जिससे एक अच्छी सरकार निर्माण नहीं हो पाता, लोकतंत्र कायम नहीं हो पाती। बाहुबल, कोई बंदूक की गोली पे, अगर देखा जाए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव इसी बल पे मतलब कई सालों तक सत्ता पे रहे थे। कई जाति और धर्म के नाम पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल मायावती जी, ठीक है, वो अपनी मतलब जाति को मतलब ज़्यादा निशाना बना बना के इलेक्शन लड़ा करती थी। तो मतलब ये सब है, ये क्या है चुनाव प्रक्रिया में ये दोष पाए जाते हैं हमेशा। कई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, आपको पता ही है सत्तारूढ़ दल होते हैं मतलब हिचकिचाते नहीं है मशीनरों में भी, मतलब जाली मतदान केंद्रों में कब्जा कर लेते हैं, मशीनों में हेराफेरी हो जाती है, तो ये करने से भी नहीं डरते भैया, जिसकी कहते हैं लाठी उसकी भैंस, इलेक्शन के टाइम पर तो वही चीज़ चलती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप इसमें सुधार कैसे करोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए आपने त्रुटियां बता दी, ठीक है कमियां बता दी, तो आप सुधार क्या करोगे भाई? सुधार आप निम्नलिखित है, पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, 21 वर्ष से घटाकर पहले 18 वर्ष कर दी वोटरों की, जिससे वोटरों की संख्या बढ़ जाए। फिर गंभीरता से ना लेने वाले जो उम्मीदवार होते हैं चुनाव में, ज़्यादा मतलब ऐसी मजे के लिए आ गए, तो उनका नाम हटा दिया जाता है। तो उसके लिए क्या जाता है, उनको उसको रोकने के लिए कि चुनाव वो ना लड़ पाएँ, तो सुरक्षा राशि बढ़ा दी गई है। ये परिवर्तन क्या है, किसने किया, चुनाव आयोग ने, ये सुधार कार्यक्रम उसने चलाए मतलब सुधार करे हैं। फिर जाली मतदान और बोगस मतदान के उन्मूलन के लिए फोटो पहचान पत्र शुरू कर दिए, बिना फोटो पहचान पत्र के आपको वोट डालने नहीं दिया था, आपको पता है, बाकी आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। वोटिंग मशीन स्टार्ट होने से पहले उसको पहले चेक किया जाता है कि इसमें कोई हेराफेरी तो नहीं है, दैट्स इट। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस बार कोशिश करूँगी, भगवान करे और मैं भी विश करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए जो हमने पढ़े हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है कल का, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें दलीय व्यवस्था पता ही है आपको, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली है, ठीक है ना। तो अधिकतर दल क्या होते हैं, दलीय के नेता पर आधारित होते हैं, तो धर्म जाति के आधारों पर भी राजनीतिक दलों का गठन कर जाता है, ठीक है। और राजनीतिक दल फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो एक ही जैसी सोच रखते हैं, जिनकी मतलब एक जैसे विचार होते हैं, ऐसा एक संगठित समूह है जो समान विचारों के होते हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। तो राजनीतिक दल एक ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जिसके राजनीतिक विचार एक जैसे होंगे और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लो बीजेपी, बीजेपी की सोच एक जैसी है, कांग्रेस की सोच एक जैसी है और एक संगठित रूप में ये काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और राजनीतिक दल के लक्षण आपको पता ही हैं, लक्षण क्या हो जाते हैं इनके, मतलब लक्षण या इनके आप विशेषताएं कह लो, एक तो सार्वजनिक मामलों पर विचारों की समानता, मतलब बीजेपी के जितने भी सदस्य होंगे सबके विचार समान होंगे, ठीक है, और दल का उद्देश्य भी एक होगा, शासन पर नियंत्रण रखते हैं ये लोग, संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं जो संविधान के अनुकूल हो, सारे विचार उनके वही मान्य होते हैं, राष्ट्रीय हित के ध्यान में रख के काम करते हैं, ठीक है, ये इनके उस कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ लक्षण भी हैं, कुछ भी मान लो। अब आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बुक में नहीं दे रखा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ आपका एक क्वेश्चन, एक सेकेंड,
एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य, लोकतंत्र के निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो फ्रेंड्स ये इसके पॉइंट है, सब यही काम करते हैं, अपने सिद्धांतों कार्यक्रम को निर्धारण करना या प्रचार करना, आप इसको पढ़ लेना प्लीज़ बाद में। जनमत का निर्माण करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर सरकार चलाते हैं। क्लियर है? अच्छा साथ साथ ये क्वेश्चन भी देख लेना फ्रेंड्स कि प्रजातंत्र में विरोधी दल क्या करते हैं। तो विरोधी दल देखो, राजनीतिक दल तो आपको पता ही है सत्ता करते हैं, लेकिन उनका जो विरोध करते हैं ना वो विरोधी दल कहलाते हैं। मतलब लोकतंत्र में विरोधी दलों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है ना। तो इनका क्या काम है, जो सरकार काम कर रही है ना उसकी आलोचनाएँ करना, धरने देना, ये क्रियाक्रम करते हैं, ठीक है ना, जुलूस निकालना ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और वो अपनी मांगें मनवाने के लिए सब करते हैं। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स में। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की निरंकुशता विरोध, तो कहीं कई हद तक ये ठीक भी है, नहीं तो इसे सरकार निरंकुश हो जाएगी, अपने चलाएगी। तो कई हद तक ये जनता की भलाई को ध्यान में रखकर भी कुछ काम करवा देते हैं सरकार से। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं, लोगों की बात पहुंचाते हैं, राजनीतिक दलों तक जनमत को प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान ये निभाते हैं, ठीक है ना। अगर संसदीय प्रणाली में जब भी सत्तारूढ़ दल मतलब जो कर रहा है अपना त्यागपत्र दे या सरकार बनने की स्थिति में ना हो तो विरोधी दल ही सरकार की बागडोर संभालने को तैयार रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जाते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। देखो दल भी दो प्रकार के हैं भारत में, एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, जिनका प्राय पूरे देश में प्रभाव है। यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रीय दल सभी राज्यों में समान रूप से शक्तिशाली हों, किसी दल को चुनाव आयोग एक निश्चित सूत्र के आधार पर भी राष्ट्रीय दल की मान्यता दे सकता है, ये आपको याद रखना है। मतलब राष्ट्रीय दलों की संख्या वो बदलती रहती है, ठीक है, और राष्ट्रीय दल होते हैं जो राष्ट्र स्तर पर एक जैसे रहते हैं, मतलब हर राज्य में आपको उस दल का मतलब एक दल दिखाई देगा ही देगा। एक सेकेंड, अब क्लियर है आपको, दिख रहा होगा। तो जैसे कांग्रेस हो गई, जनता पार्टी हो गई, भारतीय मार्क्सवादी हो गई, कम्युनिस्ट हो गई, बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय दल में आते हैं। और क्षेत्रीय दल फ्रेंड्स आपको बताइए, जिनमें जैसे तमिलनाडु में आपका AI, ये ऐसे दल होते हैं फ्रेंड जो जिनका जो निर्माण होता है वो क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, तो वो क्षेत्रीय दल होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु आपने सुना होगा, देशम, पंजाब में अकाली दल, कुछ कुछ आप याद कर सकते हो, है ना, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये कुछ क्षेत्रीय दल। और राष्ट्रीय दल राष्ट्र आधार पर बनाए जाते हैं, राष्ट्र के आधार पर, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ये पढ़ के जाइएगा, भारत में राष्ट्रीय दल कौन सा है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। इसके बाद आपका आता है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इसके बारे में आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना, क्या क्या है। और फ्रेंड्स आप साम्यवादी दल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी वाला ये आपको पढ़ के जाना है, जिनका नेतृत्व मायावती जी ने वही करती हैं ज़्यादातर, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। कभी कभी आपसे बहुजन समाज पार्टी के या बीज मतलब आपके जो क्या कहते हैं जनता पार्टी के, भारतीय और कांग्रेस के, अगर आपसे कार्यक्रम नीतियाँ पूछी जाए तो प्लीज़ छोड़ के बताना। कार्यक्रम नीति आपको पता है वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर मेरे से बीजेपी के पूछे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अयोध्या में राम भूमि पर किसने काम किया, बीजेपी लड़ी ना, आखिर कर बनवा दिया। नेक्स्ट लघु उद्योग क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट या कांग्रेस में भी मतलब कांग्रेस में नहीं किया था, ये बीजेपी के टाइम पे हुआ है अयोध्या वाला, तो इसलिए मैंने लेटेस्ट चीज डाल दी। नेक्स्ट है युवा शक्ति को आगे लाते हैं, उनका उत्तरदायित्व करते हैं, और क्या करते हैं लोगों के मतलब क्या करते हैं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। तो ये कार्य नीतियों में आ जाते हैं, नीतियाँ मतलब क्या काम कर रहे हैं वो देश के लिए। तो जो जो बीजेपी कर रही है लिख देना बस आप, ठीक है ना। महिलाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, भेदभाव समाप्त कर रहे हैं, महिलाओं को भी सीटों में आरक्षण दिया जा रहा है, उनको भी राजनीति में उतारा जा रहा है ताकि उनका मनोबल बढ़े, स्त्रियों की दशा इससे सुधर रही है, बस लिखते जाना। और बहुजन समाज पार्टी आपको पता ही है किनके लड़ती है, आपको पता ही है, मुझे नहीं बताने की जरूरत है ही नहीं इसमें आपको, है ना। जितने भी मतलब आपके दलित वर्गों के लोग होते हैं, उन पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं, उनका उनके लिए काम करते हैं, उनको शोषण से बचाते हैं, उनके लिए मतलब नई नई योजनाएं लाते हैं ताकि समाज में उनका विकास हो। जो लिखना है, जो दिमाग में आ रहा है उस टाइम पे लिखते जाना बस। आपको मैंने बता दिया कार्य नीतियों को छोड़ना नहीं है, आपको क्या लिख के आना, बाकी सारे दल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हुआ होगा, ठीक है ना। और इस दल में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, वोट बैंक तक उन मतलब वोट बैंक बनाया जाता है उन लोगों को, है ना, करते ना लोग कि हम आपकी जाति के लोग हैं, आप हमारा साथ दो तो हम आपके लिए काम करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ऐसे बोल के वोट लिए जाते हैं और उनके लिए काम किया भी जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया जाता। क्लियर है? तो आगे चलते हैं फिर।
नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल क्षेत्र के, अभी मैंने बताया था ना आपको, हर क्षेत्र का एक दल बनाया जाता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और क्षेत्रवाद होता है फ्रेंड, क्षेत्रवाद में क्या होता है, इसमें पूरे देश को ना लेकर ना देश के मुकाबले यहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र को या राज्य को महत्व दिया जाता है। मतलब कहते हैं ना कि हमारा ही राज्य है, हमारा राज्य है, हम पंजाबी है, पंजाब ऐसा है, पंजाब वैसा है, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब कहाँ है तो भारत ही है, तो इंडिया में, लेकिन इंडिया को महत्व नहीं जाता, वो अपने क्षेत्र विशेष को महत्व देते हैं, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कि लोगों का अपने क्षेत्र विशेष या किसी एक राज्य के, पर्टिकुलर राज्य के प्रति गहरा लगाव भी क्षेत्रवाद कहता है। फिर एक तरह की मानसिक, मतलब कहते हैं एक तरह की, मतलब मानसिक रोग ही है ये, ऐसा ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भावना से आने से ना राष्ट्रीयता को हमारी क्षति पहुँचती है, राष्ट्रीयता की भावना कहीं ना कहीं हिल जाती है, ख़त्म हो जाती है लोगों में। क्लियर है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के मतलब विभिन्न रूप हो सकते हैं आपके, एक राज्य स्वायत्ता की मांग, देखो आपको पता है ना क्षेत्रवाद से प्रेरित हो गई तो लोग कहते हैं हमें अलग राज्य चाहिए, जैसे कि अभी तेलंगाना अलग हुआ एग्जांपल। संघ से अलग होना, कभी कभी क्षेत्रवाद फ्रेंड्स ऐसा खतरनाक रूप ले लेता है कि आप क्या करते हो, जब राज्य केंद्र से अलगाव की मांग करने लग जाता है ना, कि हमें अलग होना है आपसे, तो ये होता है। तो संघ से अलग होने में, संघ मीन्स केंद्र होता है यहाँ पे, तो केंद्र से अलग होना ये भी इसका एक रूप पाया गया है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत में क्षेत्रवाद का विकास आप देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में क्षेत्रवाद का विकास आप, आपको पता ही है फ्रेंड्स, लाइव एग्जांपल है कहाँ, पहले 28 राज्य थे, 29 हो गए। तो दिन प्रतिदिन क्षेत्र के आधार पे लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं, जिससे अलग अलग राज्यों का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें पढ़ना चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ तक ये पैराग्राफ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, इसमें आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रवाद, मतलब भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के कारण क्या है, क्यों क्षेत्रवाद आया, तो फ्रेंड्स के कई कारण हो सकते हैं। भौगोलिक कारण कह लो, भारत देखो आपने देखा होगा कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है, कहीं हरियाली है तो कहीं रेगिस्तान जैसा मतलब रेत है, तो जब भौगोलिक स्थिति सेम नहीं है तो इस वजह से भी क्षेत्रवाद की भावना को पनपने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट आओगे सांस्कृतिक कारक, हर किसी को अपनी अपनी संस्कृति से प्यार है, अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है, तो क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारण भी फ्रेंड्स यही है। आप चाहो तो मतलब ये भी लिख सकते हो, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आप वो भी लिख सकते हो। आर्थिक हित भी लगा लो, हर कोई है, कहीं पिछड़े हुए लोग हैं तो कहीं पे वेल सेटल्ड लोग हैं, तो इस वजह से भी एक रीज़न आ जाता है, हर कोई चाहता है हमें, मतलब फिर रियायत जी लड़ते हैं फिर वो क्षेत्र के, कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हमारे लोग पिछड़े हुए हैं तो हमें आगे बढ़ाइए। भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद की भावना पनपने लग जाती है, कहते नहीं अरे हम तो बिहार से, हम बिहारी बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलता है। धर्म से रिलेटेड, क्षेत्रीय असंतुलन से रिलेटेड, तो ये सारे रीज़न हैं, ये कारण हैं सारे जो क्षेत्रवाद को न पाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स याद हो गए तो आप बना के लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे गारंटी मेरी। तो क्षेत्रवाद की विधि के कारण अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बुक में से पढ़ना है, बुक से पढ़िए। अभी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं राजनीति में क्षेत्रवाद क्यों बढ़ रहा है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, तो वो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो पॉइंट्स अगर आपने सुने हैं तो प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा साथ साथ, ये आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। क्षेत्रीय दलों की भूमिका में क्षेत्रीय दल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट में, ठीक है, जहाँ पे हमने दल पढ़ा। अब क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करने के उपाय, भाई उपाय भी सजेस्ट करोगे लोगों को तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसके बाहर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। और बाकी फ्रेंड्स लोकतंत्र में क्षेत्रवाद का मतलब क्या प्रभाव पड़ा, तो नेगेटिव ही लिखोगे कोई बात, अगर आप क्षेत्रवाद की भावना से ओतप्रोत होगे तो आप खुद सोचो आप एक लोकतंत्र का निर्माण कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोकतंत्र में तो एक सोच, एकता, ये चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए, है ना, कि हम एक हैं, एक मतलब राष्ट्रीय भावना के प्रति हमारे अंदर जब दिल से आएगी ना भावना, तभी हम एक लोकतंत्र का, सफल लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पे हमारे अंदर क्षेत्रीय भावना आ जाएगी, क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी, तो फ्रेंड्स हमारा मतलब एक सफल लोकतंत्र का निर्माण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्या देखेंगे, अपने अपने क्षेत्र की भलाई देखेंगे ना उस टाइम पे, हमें राष्ट्र की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने पर्टिकुलर क्षेत्र, क्योंकि हम उसी मेंटली रूप से उसी मतलब हीन भावना से क्या हो चुके हैं, पीड़ित हैं, एक तरह से मेंटली प्रॉब्लम ही होती है जो अपने अपनी करता है, जैसे बच्चे करते हैं ना, मेरा खिलौना मेरा है, मेरा खिलौना ही तोड़ दिया, अपने से मतलब होता है उसे, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको, अच्छा तरीका याद करने का। भूमिका मैं बता चुकी हूँ आपको क्या हो सकती है, क्षेत्रीय संतुलन को अगर आप दूर करना चाहते हो तो क्या उपाय होंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, क्या करोगे आप, वो मैं आपको उपाय भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। योजनाएं बनाएगी सरकार धीरे धीरे, लोगों में मतलब साक्षरता फैलाओ,
क्षेत्रीय की मतलब बताओ उन्हें, राष्ट्रीय भावना उन पे प्रेरित करो उन्हें, बच्चों को क्या कर रहे थे आज, तभी तो देखा ना आपने कि राष्ट्रीयता की भावना पे एक आध टॉपिक जरूर होते हैं। आप भी पढ़ रहे हो ना हम एक हैं वो हैं, संविधान पर क्यों पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आपके अंदर क्षेत्र जो क्षेत्रवाद की भावना है वो ना आए, आपके अंदर राष्ट्रीय भावना मतलब जन्म ले, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बाकी जो दल हैं, तो कुछ दल हैं जो मैंने आपको उसमें बताया था क्षेत्रीय दलों में, तो उनके बारे में पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो संघ से अलग होने का मतलब लाइव यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे खालिस्तान की मांग की गई है अभी, आप रियल चली भी रहा है पंजाब में और काफ़ी दंगे भी हुए, नागालैंड की मांग की गई, तो ये सब क्या है, ये उदाहरण है क्षेत्रवाद के जो हमारा परिणाम निकल के आ रहा है, ठीक है ना। और बाकी जो अलग हुए राज्य वो भी आपको पता ही है, तेलंगाना अलग हो गया, बोडोलैंड बन गया, गोरखालैंड बन गया, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है प्रिपेयर करनी एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका जनमत और दबाव समूह, ठीक है ना। जनमत होता है फ्रेंड जनता का मत, ठीक है ना, मतलब सब समान विचार वाले लोग होते हैं ना, जब अपना एक मत देते हैं तो उससे एक जनमत बनता है, ठीक है। जैसे कि सबने मिलकर बीजेपी को जिता दिया, बीजेपी को वोट डाला, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो कि जनमत एक ऐसा मत होता है जिसमें सबके समान हित होते हैं, बस बाकी जनमत की भूमिका आप पढ़ लेना इसको और क्या महत्व है, ठीक है। सारे पॉइंट्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से दे रखा है बुक में आपकी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स ये वाली भी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जनमत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, तो आपको पता ही है राजनीति, समाजीकरण, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पढ़ लेना इसको, जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट है प्रेस, आपको पता ही है प्रेस भी आपको बहुत मतलब आप प्रेस को देख के प्रभावित होते हो ना, समाचार सुनते हो भाई हाँ बीजेपी काम कर रही है, हाँ भाई हम तो इसी को वोट देंगे, ठीक है। तो मीडिया भी काफ़ी अहम रोल निभाती है, टेलीविज़न मतलब रेडियो, यही आपको बताते हैं कौन सा आपके लिए ठीक है कौन गलत है। मतलब कई लोग सुन सकते हैं तो वो रेडियो सुन लेते हैं, कोई लोग दे भी सकते हैं वो देखने का मतलब टीवी का सहारा लेते हैं। सिनेमा भी सिर्फ मनोरंजन भी नहीं होता, जागरूकता भी लाई जाती है, कई मूवी ऐसी बनती है, आपको पता ही है कि नेता भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम उनके सामना करना चाहिए, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर किया जाता है। तो ये भी एक अच्छे जनमत निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिनेमा। बाकी सार्वजनिक सभाएँ होती रहती हैं, आपको पता ही है जाते होंगे, तो वहाँ पर बताया जाता है कि लोक कल्याण के लिए कौन कार्य कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, सरकार के सारे कार्य हमें बताए जाते हैं, तो उससे भी एक सफल जनमत का निर्माण होता है। बाकी राजनीतिक दल तो है ही है, वो आधी कसर वो पूरी कर देते हैं, बीजेपी मतलब कांग्रेस के कमियां बता देता है, कांग्रेस बीजेपी की कमियां बता देता है, तो उससे व्यक्तियों में हमें जागरूकता आ जाती है, तभी तो हम एक पर्टिकुलर मत तैयार कर पाते हैं ना, अपना किसी बारे में विचार मतलब मत मीन्स अपना विचार बना पाते हैं। बाकी सर्वेक्षण जो होते हैं और बाकी शिक्षण संस्थान जो आपके स्कूल कॉलेज है वो भी आपको शिक्षा के अकॉर्डिंग जब शिक्षित करते हैं तो आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे मतलब कैसे आपको निर्णय लेना चाहिए फ्यूचर में, अपने मतलब चाहते हो सरकार बनाने में अगर आप अपना रोल निभा रहे हो तो कैसे कैसे अपना एक मत बनाएं आप, जो अच्छा हो, जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, है ना, और जो समाज के अनुरूप हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्वयं समय, अब देखो हर जगह में ना कहीं बाधाएं तो आती हैं, अभी मैंने बता दी जनमत बनाने में हमारी हेल्प कौन करता है, अच्छा जनमत कैसे हम तैयार करेंगे, कैसे एक विचार बनाएंगे, तो आपको समझ में आ गया। अब बाधाएं भी तो आएंगी, उदासीन रवैया, कई लोग मतलब उदासीन होते हैं राजनीति के प्रति, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, भागीदारी नहीं रखना चाहते, नहीं करते, हाँ भाई किसको वोट दे, बीजेपी हम तो नहीं दे रहे, जो हमें फ्री में सब कुछ देगा हम तो उसे ही देंगे चाहे वो काम ना करे आगे करके। निरक्षरता बहुत बड़ी रुकावट है, अब पढ़े लिखे तो होते नहीं है, हाँ भाई पैसे दे रहा है उन्हें पैसे से मतलब है, पैसा आ रहा है वो ये नहीं देख रहे कि इतने से पैसों में आगे 5 साल के लिए हम अपनी जो शासन व्यवस्था है ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे हैं जो भ्रष्ट है, करप्ट है पूरी तरह से, जो कुछ नहीं करेगा, जो पैसा कमाएगा बाद में, आज हमें 100 रुपये दे रहा है कल हमसे 100 के 100 गुना वापस ले लेगा। गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है जनमत में, आपको पता ही है, आप वोट डालने जाते हो कई लोग पैसे में अपना वोट बेच देते हैं, अपना मत ही बेच दिया तो जनमत क्रिएट ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका विभिन्न जाति संप्रदायों के बीच असंतुलन, सबसे बड़ी बाधा ये भी है, हर कोई चाहता है अरे तेरी जाति में मैं वोट क्यों दूँ, तू मेरी जाति में दे, अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यकों को वोट दे, हमारा बंदा खड़ा हो रहा है हमारे लिए काम करेगा, ये भावना जब आ जाती है ना तो फ्रेंड्स एक सफल लोकतंत्र का निर्माण भी नहीं हो पाता। ये सारी बाधाएं सिर्फ एक सफल जनमत नहीं है, एक लोकतंत्र के निर्माण में भी बाधाएं, अगर आ जाए क्वेश्चन तो यही लिख के आ जाना। स्वतंत्र प्रेस, ठीक है ना, तो ये भी कुछ ज़्यादा ही है, प्रेस में क्या है कुछ ज़्यादा ही भयमुक्त हो गई है प्रेस हमारी, जो मर्जी दिखा देती है, तो प्रेस पे क्या होता है धार्मिक पूंजीवादी क्षेत्रीय हित हावी,
नहीं होने चाहिए, है ना। तो इससे भी क्या होता है, प्रेस को निष्पक्ष और विश्वसनीय ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रेस क्या करती है, कुछ ज़्यादा ही ओवर भी दिखा देती है किसी के बारे में, तो उससे भी हमारा जो मत है वो पलट जाता है। हालांकि मतलब कहते हैं ना बड़ा चढ़ा के दिखाना, तो वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, उसको एग्जैक्ट दिखाना चाहिए, विश्वसनीय न्यूज़ देनी चाहिए, यहाँ पर बोल भी रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये एक ऐसा संगठित समूह होता है जिनके सार्वजनिक और सामाजिक हित होते हैं। ये किसी सरकारी पद पे नहीं होते, ये ऐसे ही होते हैं, ग्रुप बना के चलते हैं, जो इनका काम क्या होता है, सरकार पे दबाव डालना, सरकार पे अपनी इच्छाएं रखना और उन्हें मनवाना, ठीक है, ये इनके काम होते हैं, समझ गए। तो संगठित लिख दोगे, ठीक है, सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया में क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। और ये समूह की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, और ये हर देश में पाए जाते हैं, क्या, दबाव समूह, ठीक है ना। तो दबाव समूह देखो कैटेगरी आप करोगे तो जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था, अब यहाँ पे भी वही है, व्यावसायिक क्षेत्र में आपने बना दिया किसी को, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो संस्कृति को लेके दबाव डालेगा, हमारी संस्कृति में ये है वो है, उसके लेके सरकार पे दबाव डालेगा। संस्थागत दबाव समूह होते हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं इन्हें, और होते हैं एक तदर्थ दबाव समूह, ठीक है ना, जो किसी विशेष मुद्दे को लेकर सभा पे मतलब दबाव डालते, अदरवाइज कुछ नहीं कहते, क्लियर है। तो यहाँ तक मैं आपको सारा बता चुकी हूँ फ्रेंड, जनमत बता चुकी हूँ, कैसे आप जनमत को अच्छा जनमत का कैसे निर्माण होता है और कैसे उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है, उनको दूर करने के लिए क्या करोगे। भाई देखो आपको बताया था मैंने, अशिक्षा भी बाधा है, तो उल्टा कर दो, शिक्षा का प्रसार करो, ये क्या हो गया, उपाय हो गया। गरीबी एक बाधा है, गरीबी को दूर कर दो। देखो जहाँ पे बाधाएं होती है ना वहीं उपाय भी छिपे होते हैं, आपके पॉइंट्स को उल्टा घुमा दो बस। आपका आ गया प्रेस की स्वतंत्रता, मैं आपको एक दिखा देती हूँ यार, ये देखिए सुजनमन निर्माण में बाधाओं को दूर करने के उपाय, तो ये बाधाएं भी इनको उल्टा कर दोगे तो बाधाएं बन जाएंगी, और उपाय कर दोगे तो उल्टा कर दोगे। शिक्षा का प्रसार, अशिक्षा उल्टा कर दो, बाधा बन गई। गरीबी को दूर, गरीबी बाधा बन गई और उसको दूर करना उपाय बन गया। प्रेस की स्वतंत्रता निष्पक्षता, ठीक है, ये क्या है, दूर करना, और वहाँ पे क्या था, मैंने कहा था ना प्रेस कुछ भी छाप देती है, स्वतंत्र प्रेस, ठीक है, उल्टा कर दो। सुसंगठित राजनीतिक दल, वहाँ पे असंगठित कर दो, ठीक है। भाषा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, वहाँ पे लिख दो बाधा, तो उल्टा कर दो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपका दबाव समूह क्या होता है बता चुकी हूँ, ठीक है, जिनके समान विचार होते हैं, संगठित समूह होता है, जो कोई सी सरकारी पद पे नहीं होता है, ऐसी मतलब सरकार पे दबाव डालता है, और दबाव डालने के लिए हत्याकंडे क्या अपनाता है, रैलियां निकालना, धरने देना, प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, ये उसके हथियार हैं। वो कोई लड़ाई करता नहीं है, वो इनको प्रयोग करता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार की नीतियों पर दबाव डालता है, और ज़रूरी नहीं हमेशा अपने लिए करता है, कभी कभी इससे जनता का भी भला हो जाता है। तो फ्रेंड्स कार्य पूछ ले जाएँ और दबाव डालने तरीके पूछ ले जाएँ, तो ये रहा आपका पॉइंट्स, ये आप देख लेना, चुनावों में रुचि लेते हैं आप पढ़ लेना इसे, बाकी मैं आपको समझा चुकी हूँ। राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव में रखते हैं, बीजेपी हो गया, कुछ भी हो गया, इनसे डरे रहते हैं कि हाँ भाई आज हम गलत कर देंगे तो हमें कल को धरना बोल देंगे, ये इनका काम तो है नहीं कुछ। सरकारी अधिकारियों से संपर्क बनाते हैं, ठीक है, आंकड़े प्रकाशित करते हैं, ये आप सारी का सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रचार करना, ठीक है, जनमत को प्रभावित करना, ये वाला पॉइंट मत करना, जनमत को प्रभावित करना करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं, परामर्श देते हैं, ठीक है ना, सरकार को, ठीक है, नीति और राजनीति दलों में सम्मिलित होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो, बाकी देखो हड़ताल प्रदर्शन इसका सहारा लेते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आप इस बुक में देखना चाहो तो इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ये इनके उद्देश्य है, लोगों के कार्य करने के लिए क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर मैंने 21वां भी करवा दिया है, तो मॉड्यूल 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस इसमें से रहने वाला है आपका, और मैं पूरी कोशिश करूँगी, भगवान मैं तो अभी भी अपने लिए कह रही हूँ कि मैंने जैसे प्रिपरेशन करा है माइंड सेट करके आपके लिए, मैंने क्योंकि जैसे हिंदी में आपको बताया था ना, आपने कहा था यस मैम मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने ये ध्यान में रखते इस बार वीडियो बनाई है, ताकि मेरे बच्चे परेशान ना हो, पेपर मतलब अटैम्प्ट कर पाएँ, हिस्ट्री ऐसा ना हो, है ना। वैसे मैंने पेपर अभी देखा नहीं है, मैं देखूँगी ज़रूर कि ऐसा क्या आया था इस बार, है ना। बाकी मॉड्यूल 5 है आपका, तो इसमें अब ये है हम ये पढ़ेंगे, बाकी इतना अगर आपने पढ़ लिया ना फ्रेंड्स, इतना भी आपने देख लिया तो मैक्सिमम 60% मार्क्स आप मान लीजिए अपने कन्फर्म, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता मीन्स होती है अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाम ही नहीं है, बल्कि इस भावना को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म को ही श्रेष्ठ माने,
ठीक है ना, और दूसरे धर्मों के प्रति घृणा रखे, उनकी उपेक्षा करे, उन्हें हानि पहुंचाए, तो ऐसी भावना को कहते हैं सांप्रदायिकता। ये भी एक मानसिक रोगी कहता कहा जाता है। तो ये सारी भावनाएं तो एक सफल लोकतंत्र के निर्माण में बाधाएं हैं। अगर आएगा तो लिख सकते हो आप ये पॉइंट्स भी, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसकी विशेषताएं क्या होती है संप्रदायवाद की। अंधविश्वास पर आधारित होता है, असहिष्णुता पर आधारित होता है, दूसरे धर्मों का विरोध करता है, दुराचार करता है, दूसरों के मूल्यों को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो ये सब इसके पॉइंट्स है, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप वो भी लिख सकते हो, ईजी लगता है जो मैंने अभी बताया आपको, वो भी आप लिख सकते। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, आपके आप संप्रदायवाद की भावना से ओतप्रोत क्या करोगे, हिंसा करोगे, सांप्रदायिक तौर पे लड़ाई झगड़े जो होते हैं आपको पता है, ये धर्म के नाम पे चलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कब का चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है ये सब चीज़ें, ठीक है। और फिर क्या होता है, और भी संप्रदाय के लोग आ जाते हैं, है ना, अलग अलग मतलब लोग आते हैं, बहुत तरह के संप्रदाय बन गए, अब तो धर्म के नाम पे सभी लड़ते हैं, ठीक है। तो अपना धर्म श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे धर्म, देखो श्रम धर्म सारे बराबर होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी सोच है सबकी, सब लोगों की अपनी अपनी पर्सनल व्यू होते हैं इस बारे में, हम किसी का वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भारतीय समाज में आप जाति, अब जाति क्या है फ्रेंड, जाति की भी बहुत ज़्यादा भूमिका है, जैसे धर्म की है, संप्रदाय की है, वैसी जाति की भी है। आज की डेट में क्या हो रहा है, जाति के आधार पे भी बहुत ज़्यादा दंगे होते जा रहे हैं, आपको देख रहे हो, जाति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है हमारे लोकतंत्र को। जाति के एक अच्छा एग्जांपल तो आरक्षण, आरक्षण आपको पूछ लिया क्या होता है तो आपको पता नहीं होता क्या है, इसमें जाति तो होती है, कुछ वर्गों या जाति के लोग ही तो करते हैं, ये क्या करते हैं विधानमंडलों, सरकारी पदों, शिक्षा संस्थानों में ना एक निश्चित आरक्षित मतलब अपना स्थान करने के लिए ना, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कि हमारे को एक वो दिया जाए, आरक्षण मांगते हैं, छूट मांगते हैं, रियायत मांगते हैं सरकार से। तो इसके लिए काफ़ी लोग मतलब कर रहे हैं, जोर डालते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड जातिवाद भी बहुत एक बड़ी समस्या है, तो जाति के आधार पे लोगों में भेदभाव की भावना आ जाती है, जाति को उच्च मानना, दूसरे को निम्न मानना, अछूत मानना, ये सब चीज़ें भावनाओं से ओतप्रोत मेंटली तौर पे उनके दिमाग में घूमती हैं, और जिसका वो मुद्दा बनाते हैं आगे चलकर, और जो एक राजनीति में भी हमारे लिए मार्ग में बाधा है, ठीक है ना। एक सफल राजनीति नहीं हो पाती जहाँ पे ये सब मतलब प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, क्लियर है। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजनीति में जाति का क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, तो इसमें से आपको मेन मेन पॉइंट्स सारे निकालने हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये आपको पढ़ लेना है, एक बार रीड कर लेना कि क्या भूमिका, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जातिवाद होता क्या है, संप्रदायवाद होता क्या है, और आपको ये भी बता चुकी हूँ इनके बता चुकी हूँ आपको कि इनके कारण ही एक सफल लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट दिखाई जा रही है, इनका एक लेन देन है ही लोकतंत्र से, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस घुमा के यही पूछा जाता है कि बताइए लोकतंत्र के निर्माण में जातिवाद कैसे एक बड़ी बाधा है और संप्रदायवाद कैसे एक बड़ी बाधा है, तो इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। और एक आरक्षण की नीति आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आरक्षण की नीति क्या है, ठीक है, और इसका मूल आधार क्या है, मैं आपको आरक्षण वाला बता चुकी हूँ क्या होता है, ठीक है। हमेशा ये जोर शोर पर चलती है, हर कोई जाति होती है, जाति के लोग अपने लिए विशेष रियायत चाहते हैं ताकि उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि उसमें छूट मिलेगी सरकार की तरफ से कई क्षेत्रों में, जॉब्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ना तो किन किन चीज़ों के लिए आरक्षण मांगते हैं, तो आरक्षण की नीति क्या है अगर आ जाए तो आप लिख पाओगे फिर वहाँ पे, ठीक है। अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, इनके लिए भी मांगा जाता है, पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है ना। तो जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा आंदोलन आपको देखने को मिले हुए होंगे, तो सब लिए किस लिए, अपनी अपनी जाति के लोगों के लिए आरक्षण मांगने के लिए। कई लोग महिलाओं के लिए लड़ जाते हैं, महिलाओं के आरक्षण के लिए, और इसका एक फल भी मिला है मेरा फ्रेंड्स, इसका मतलब आरक्षण के लड़ने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो संसदीय चुनाव थे ना, 30% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। तो ये क्यों किया गया, ताकि आपने महिला सशक्तिकरण सुना होगा, तो महिलाओं का उत्थान करने के लिए, क्योंकि पहले क्या था, महिलाओं की स्थिति ना बहुत दयनीय थी, उनको बिल्कुल घर की चार दीवारी में रखा जाता था, घर के कामों में भी व्यस्त रखा जाता था, ना एजुकेशन दी जाती थी, ना नौकरी उनको अलाउड थी। तो अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब देखो ना आरक्षण जब मिल गया तो समझ लो उनको स्टेबल, उनकी स्थिति कहीं ना कहीं स्टेबल हो रही है, ठीक है, क्लियर है। बाकी जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण जागरूकता 23। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया होगा इतना सुनने के बाद। अगर आप सुन इतना ध्यान से भी सुन रहे होंगे तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, हाँ यार तो इजी है मैम बोल रही है, तो काफ़ी रिलैक्स लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पर्यावरण का मैं आपको क्या बताऊँ, पर्यावरण की समस्याएं आपको पता ही हैं, भूमि वायु पानी से रिलेटेड समस्या हो गई, जनसंख्या में वृद्धि एक समस्या हो गई, बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में भी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सबसे नंबर 1 पे आ गया भारत जनसंख्या के मामले में, चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है,
शहरीकरण आपको मैं बता चुकी हूँ, देखो यहाँ पे काम आ गया ना आपका, ये मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, हिस्ट्री वाले बच्चे समझ गए होंगे, शहरीकरण मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो शहरीकरण होने से क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, पर्यावरण के लिए तो समस्या ही है शहरीकरण भी, लोग गाँव छोड़ छोड़ के रोजगार के लिए, बीमारी या बिना कुछ भी चीज़ होने की वजह से आपदा आ जाती है गाँव में, तब शहर में आके बच जाते हैं। तो भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, शहर में तो भीड़ बढ़ रही है ना, गाँव की कम हो रही है, शहरों में बढ़ रही है। औद्योगिकरण पता है आपको, औद्योगिकरण भी मैं बता चुकी हूँ, तो ये सारी हेल्प हुई होगी। देखो पढ़ना कभी नुकसान नहीं होता, कई बच्चे सोचते हैं ना, अगर आपने वाली वीडियो देखी तो अब वो अब काम आ रही होगी, उसमें मैंने बताया आपको औद्योगिकरण भी क्या होता है। तो औद्योगिकरण, उद्योगों को ज़्यादा निर्माण करना भी फ्रेंड्स पर्यावरण के लिए एक समस्या ही है, ठीक है। जितना उद्योगों का निर्माण होगा पॉल्यूशन उतना बढ़ेगा। संरक्षण के प्रति जागरूकता भाई कैसे फैलाओगे आप, सिंपल सी बात है, कैसे फैलाओगे पॉइंट्स में बताओ मुझे ज़रा, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और बाकी मैं अभी बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें है, ठीक है। अच्छा, पर्यावरण के लिए मतलब यहाँ पे पूछा है, पर्यावरण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये उद्देश्य थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स में है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स इसमें क्या है, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए पर्यावरण शरण क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पर्यावरण शरण में पर्यावरण का विनाश, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं पर्यावरण का शरण। और पर्यावरण को फ्रेंड्स प्रदूषण भी पता ही है आपको, और पर्यावरण को मतलब प्रदूषित करने वाले, पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है, पॉइंट्स बता देती हूँ फटाफट लिख लीजिए। वनों की कटाई, ज़्यादातर वनों की कटाई हो रही है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ती जनसंख्या जो अभी मैं बता चुकी हूँ, जल का अभाव, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिकरण का निर्माण। अच्छा ये तो मैं आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ, लेकिन अगर नहीं भी हैं तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके उपाय क्या होंगे, मैंने बताया था ना उल्टा कर दो, देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसके उपाय बताती हूँ, समस्या ही आ गई, उल्टा कर दो। जनसंख्या में वृद्धि, तो क्या करना है, जनसंख्या में वृद्धि में रोक लगानी चाहिए, शहरीकरण पे जोर नहीं, शहरीकरण पे रोक लगाओ। औद्योगिकरण का क्या करना चाहिए, उद्योगों को निर्माण से औद्योगिकरण के मतलब क्या करना चाहिए, बल नहीं देना चाहिए, इसमें कमी रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पर्यावरण पर, तो यहाँ पे ना सब चीज़ आपको उल्टी कर देनी है, पॉइंट्स उल्टे घुमा देने हैं। शिक्षा देनी चाहिए लोगों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करोगे, शिक्षा एक सबसे मतलब हर चीज़ कहते हैं ना, 100 बीमारियों का एक इलाज है शिक्षा। लोग एजुकेटेड होंगे तो समझेंगे ना कि पर्यावरण के लिए क्या 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 समस्या है और हम कैसे दूर करें भाई उन्हें, और समस्याएँ क्रिएट ही क्यों करें, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी पर्यावरण से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आया है, ऐसा आता है कि आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाते हो, तो प्लीज़ छोड़ के मत आना, ठीक है ना। इजीली अटेम्प्ट मतलब कुछ भी लिख के आओ, पॉलिटिकल है सब चलता है, लेकिन मिलता जुलता थोड़ा बहुत समझ के क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि हो सकता है मैं अभी हिस्ट्री का पेपर देखूंगी, क्या पता क्वेश्चन कैसे आए कैसे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी दे देते हैं। मैंने अभी आपको कई क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हैं पॉलिटिकल में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट है आपका 24, अच्छा शासन सुशासन, अच्छे शासन को ही सुशासन कहा जाता है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा एक आध आता ही है आपके एग्जाम में, मतलब आप ये भी कह सकते हो फ्रेंड्स, जिस शासन में अच्छे गुण हो वही कहलाता है अच्छा शासन, और इस प्रकार का शासन सभी व्यक्ति और समाज चाहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के समाज में क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के शासन व्यवस्था में लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो अच्छा होता है, और लोग क्या होते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें 2 ही क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक अच्छे शासन की विशेषता बताइए, जिन्हें हम गुण भी कहते हैं, ये है इसकी विशेषता है, कानून व्यवस्था बनी रहती है, लोक कल्याणकारी प्रशासन होता है, लोग खुश रहते हैं, न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिससे जनता भी काफ़ी संतुष्ट होती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होता है, ठीक है, ये इसके गुण हो गए। अब बाधा है फ्रेंड्स, इसको उल्टा कर देना, ठीक है ना। तो बाधाओं में क्या लिखोगे, इसके अच्छे शासन में बाधाएं, भ्रष्टाचार आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि, बस यही पॉइंट लिखते रहना, अशिक्षा, ये पॉइंट तो रट लो, जब कुछ समझ आए ना तो बाधाएं पूछ लिया है तो देखना ये फिट बैठ रहे नहीं बैठ रहे, लिख देना। हिंसा की संस्कृति, ये आ जाती है अच्छे शासन में मार्ग में बाधाएं, क्लियर है, बस यही पढ़ना, इसमें आप कुछ नहीं पढ़ना, ख़त्म, ठीक है। बाकी ये देखिए यहाँ पे लिखा है बाधाएं, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, हिंसा की संस्कृति, तो ये आप पढ़ना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने बताया वही है, अब ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप बना के भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में आपको बता ही दिए मैंने, पढ़ना चाहते हैं और अच्छा बेहतर करने के लिए, अच्छे नंबर के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि और ये आपका हिंसा की संस्कृति, ठीक है, ख़त्म, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।
अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है स्थापित करने के उपाय, मतलब सुशासन के लिए, तो आप ये पढ़ के जरूर जाइएगा, लोगों की सहभागिता होनी चाहिए तभी एक सुशासन की स्थापना की जा सकती है। तो पॉइंट्स में दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कैसे क्या क्या कर सकते हो आप लोग, तो ये पढ़ लेना, इसके साथ ही ये, ठीक है ना, माध्यम से कैसे आप कर सकते हो स्थापित, ठीक है। बाकी आपको बताइए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का भी बहुत अच्छा, मतलब आईटी की भी भूमिका रही है एक अच्छे शासन के स्थापना में, तो ये अपेक्षित सुधार इन्होंने किए हैं, ये आप पढ़ के चले जाइएगा ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ पता नहीं है NIS वालों का इस बार क्या खा के बैठे हैं वो आपसे बदला लेने के लिए कि आपको फेल ही कराना है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, सुशासन के मार्ग में बाधाएं क्या आती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सुशासन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस चैप्टर से यही तीन क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मानवाधिकार, ठीक है ना, मानवों को विकास के लिए, मानव को विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं ना कुछ, वो होते हैं मानवाधिकार, ठीक है ना, जो एक अहम भूमिका निभाते हैं उसके विकास हेतु, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, मौलिक अधिकार आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, बता चुकी हूँ, जो आपके संविधान में निर्मित है, मूल अधिकार भी कहते हैं, अधिकार भी कई होते हैं ना, एक सामूहिक व्यक्तिगत हो गए, सामूहिक मतलब समूह के प्रति आपके क्या अधिकार हैं, और व्यक्तिगत आपके पर्सनल लेवल पे क्या अधिकार हैं, वो भी आपको मिलने चाहिए, ठीक है। बाकी प्रथम द्वितीय तृतीय पीढ़ी के भी कुछ अधिकार होते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, मानव अधिकार को अपने माइंड में सेट कर लो कि मानव अधिकार होते हैं व्यक्ति के विकास में आवश्यक होते हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं, और राज्य ही लागू करता है और उनकी रक्षा भी राज्य ही करता है, ठीक है ना। अब बिना मानव अधिकार के कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता, दैट्स इट। विशेषताएं क्या होती हैं, कब मिलते हैं भाई, क्यों मिलते हैं तुम्हें, क्या विशेषताएं, क्यों तुम्हें अधिकार दिए जाने चाहिए। पहला, मानव होने के नाते मिलते हैं। सेकेंड, सार्वभौमिक अधिकार है उनका, मिलना ही चाहिए। मानव अधिकार सभी लोगों को समान मिलते हैं, समान मानते हैं, मतलब ये नहीं किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अधिकार मूलतः व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल लेवल पे भी आपके होते हैं, ठीक है ना। मानव अधिकारों के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत भी समाहित होते हैं, है ना, इससे आपको दासता से मुक्ति मिलती है, जीवन का अधिकार होता है, उत्पीड़न से स्वतंत्रता मिलती है, उत्पीड़न समझते हो, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है किसी प्रकार का, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बस। मैं बाकी मानवाधिकार में यही क्वेश्चन निकल के आते हैं कि मानवाधिकारों का महत्व क्या है, क्यों आवश्यकता है, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ मानवाधिकार क्या होते हैं, आप लगा लो। चलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको सारा क्लियर कराई दिया, लेकिन उससे अलग मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ये आपको और प्रिपेयर करके जाने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जो मानव अधिकारों से संबंधित है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, मानव अधिकार आपको बताइए ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दो कार्य आपको बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार, है ना। तो फ्रेंड्स ये भी आपको बताना है, एक तो क्या करता है, जो आपके मानव अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसकी जांच पड़ताल करता है और उचित कार्यवाही करता है, ठीक है ना, और मानव अधिकार के प्रयोग में जो भी बाधक तत्व होते हैं उनको दूर करने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार को लागू करवाने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो NGOs आपको पता ही होगा, जैसे महिला मंगल होता है तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, तो अधिकार आप समझ ही गए होंगे, तो NGO भी आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मतलब गैर सरकारी संगठनों का निर्माण हो चुका है भारत जैसे देश में, जो आपकी फाइट फॉर योर राइट, तो हम भी करते थे आपके लिए NIS वालों बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हो गया आपका, है ना, वॉच ये हो गया, एक आपका हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कुछ ऐसे हैं फ्रेंड्स NGO जो लड़ते हैं अभी भी आपके अधिकारों के लिए, ठीक है, तो इनको पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इसमें विदेशी नीति का क्या अर्थ है। विदेशी नीति आपको बता चुकी हूँ कि आपको बताइए, हर देश को अपने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में निर्भर रहना पड़ता है, और वो निर्भर रहने के लिए जिस नीति का अनुसरण करते हैं वही आपकी विदेशी नीति होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और भारत की विदेशी नीति के चार निर्धारक तत्व हैं, जिसमें है ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराएं, भौगोलिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां और राष्ट्रीय हित, ठीक है, ये चारों आपको पढ़ने हैं। भारत की विदेश नीति के पांच आधारभूत सिद्धांत कह लो, विशेषताएं कह लो, तत्व कह लो, उनके उसकी मतलब कुछ भी कह लो, सब में आपको ये पॉइंट लिखना है। तो भारत की विदेश नीति किस नीति का अनुसरण करती है, पहला किस नीति का अनुसरण करती है, ये भी पूछा सकता है। तो पहला है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता होता है जब दो शक्तिशाली गुट होते हैं तो आप किसी गुट में ना जाकर अपना आपको अलग रखना, ताकि आपको भविष्य में फ़ायदा मिले, क्योंकि उस टाइम पर जब फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पश्चिमी गुट और पश्चिमी और आपको पूर्वी गुट में ना साम्यवादी देशों में दो गुट बन गए थे, तो ऐसे में भारत ने एक समझदारी दिखाई, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, ये अलग पॉइंट है, ये आपको पढ़ना है।
ठीक है। और इस बार आपके क्वेश्चन देखना इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम जो मिस्टेक हुई थी इस बार मैंने नहीं रिपीट की है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सामने मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ताकि मैक्सिमम आपका पेपर 100% जाने वाला है। अगर आपने दोनों वीडियोज़ देख ली ना, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कहीं से भी कोई सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साम्राज्यवाद का विरोध। तो साम्राज्यवाद का विरोध करती है विदेशी नीति। साम्राज्यवाद क्या होता है फ्रेंड्स? एक देश के द्वारा दूसरे देश में आक्रमण करना और उसके साम्राज्य को अपने में मिला लेना, ठीक है ना। इस तरह से पहले क्या करते थे राजा महाराज, इस नीति को अपना के अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे, ठीक है। और उपनिवेशवाद होता है कि आक्रमण करके उस देश के लोगों को अपना गुलाम बना लेना। तो ये दोनों ही प्रथाओं का विरोध करता है विदेशी नीति। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचशील के सिद्धांत क्या हैं, 5 सिद्धांत हैं टोटल। तो स्पेशली भी पूछा जाए तब भी आपको लिखना, अगर तो इनमें से कोई पॉइंट्स भी आपको दिख जाए पेपर में, आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिख के आना है इस बार, ठीक है। और आपको क्वेश्चन जरूर समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। तो विदेशी नीति पहले यही कहती है पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करो, तो भारत भी सदस्य है इसका। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का औचित्य बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं पेपर में, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और मैंने भी कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। बाकी ये देखते हैं क्या होता है कल के आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, अगर नहीं भी हो रहा ना ज़्यादा तो 5-6 पॉइंट आप कर लीजिएगा, मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भारत का योगदान आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि लास्ट टाइम पे ना एक बार देख लेना, आपने 2-3 बार पढ़ लिया कल, आपको जाते जाते 2-3 बार ये वीडियो देख लो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो मैं बोल रही हूँ अलग से क्वेश्चन वो जरूर देख लेना भाई, उसके लिए आपको सोर्सेज यूज़ करने की जरूरत तो पड़ेगी। अब है शीत युद्ध की। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखो, शीत युद्ध के समाज में भारत की विदेशी नीति के मुद्दे, ये जरूर पढ़ के जाना। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर सेम आपको लिखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ इनको प्रिपेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना एक बार, रीडिंग कर लेना जस्ट, और इनको दो बार रीडिंग कर लो और आपकी तैयारी मतलब प्रिपरेशन आपकी डन। तो वीडियो पसंद आइए लाइक करो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना ताकि उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ इस बार, ठीक है। और जो भी शिकायतें आपकी दूर हो जाएगी आज के इस वीडियो से। कल का पेपर अच्छा जाएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चंस आए। शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका के संबंध की चर्चा करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संबंध आपके जरूर पूछे जाते हैं भारत के अमेरिका से, भारत के रूस से, तो आपको सारे प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। और कल का पेपर में कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किया और कैसा पेपर गया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड आई होप फॉर द बेस्ट, कल अच्छा आपका पेपर जाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इनको प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत घुमा के दिए जाते हैं तो 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चंस कहते हैं ना आपके आंसर अंदर ही रहता है लेकिन बाहर निकलने में आप सब छोड़ के आ जाते हो, समझ ही नहीं पाते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऐसी गलती इस पेपर में मत करना, मैंने बहुत मेहनत की है और सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता अब कुछ भी बचा है। अब बाकी अब सब आपके ऊपर है, आप कैसा करके आते पेपर में। देखो श्रीलंका में जातीय संघर्ष पूछा जाए तब भी आपको ये आंसर लिखना है, और श्रीलंका से संबंध पूछे जाए तब भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। दो क्वेश्चन देखो एक ही आंसर आपका आ गया। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स कल लेना इस कैसा पेपर आपके लिए लेके आता है, टफ या इजी, जैसा भी लेके आए देख लेंगे। इस बार तो हमने तैयारी अच्छी करी है। भारत के पाकिस्तान से संबंध फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है, संबंध भी आए तब भी आप यही पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। वैसे संबंध कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, इनमें विवाद हमेशा बना रहता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लो या हथियार के आतंकवाद फैलाने का मुद्दा ले लो। विश्व व्यवस्था से क्या समझते हैं, एक ध्रुवीय दो ध्रुवियों में क्या अर्थ है, तो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपसे एक ध्रुवीय के बारे में पूछा है 2 नंबर में आ जाता है तो 1 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना एक ध्रुवीय वाला, और 2 ध्रुवीय पूछे तो 2 ध्रुवीय एक्सप्लेन कर देना, और पूरा ही आए तो पूरा कर देना। तो शीत युद्ध का अर्थ बताना है, शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री में भी मैंने समझाया था, यहाँ काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स शीत युद्ध होता है जो मेंटली तौर पे लड़ा जाता है, इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो रूस और अमेरिका में काफ़ी टाइम तक ये युद्ध चला था, दिमागी तौर पर युद्ध करना। समाप्ति देख लीजिएगा। शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में क्या चेंजेस आ गए थे, कैसी हो गई थी विश्व व्यवस्था वो बताना है। अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा था, विवाद बढ़े थे, ठीक है ना, व्यापार निशस्त्रीकरण हुआ था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भूमंडलीकरण आ गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स आने चाहिए। निशस्त्रीकरण पता है ना, शस्त्रों को बनाने की जो होड़ लगी है ना उसको रोकना ही निशस्त्रीकरण होता है, याद रखिएगा। शस्त्रों को रोकना है, बनने नहीं देना है, तो इसीलिए सारे देश इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आपको बताइए गरीबी भूख बेरोजगारी तो आएगी आएगी, जब भी कोई युद्ध होता है तो ये
समस्याएं तो पहले आती हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आपको बताने हैं और उनके कार्य आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अंग, 6 अंग हैं टोटल और 6 के 6 मैंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे, और इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अगर आपसे कोई भी एक अंग पूछ ले जाए ना आप पर्टिकुलर, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस किया यहाँ पे बनाया है। सुरक्षा परिषद बता दी, सुरक्षा परिषद वाला पॉइंट लिख के आ जाओ। सचिवालय बता दिया, सचिवालय लिख। हाँ, महासचिव क्या होता है फ्रेंड्स, ये आप पढ़ के जाइएगा, महासचिव के कार्य क्या हैं। मैं आपको जो जो बता रही हूँ वो भी पॉइंट्स में रखना अपने माइंड में, कि बाद में ना बोलो मैं महासचिव आ गया आपने तो बताया नहीं था, ठीक है ना। तो जो जो बीच बीच में बोलती, इसीलिए कहती हूँ पूरी वीडियो देखा करो, कहीं भी स्किप मत किया करो। आप बहुत सारे क्वेश्चन यहीं मिस कर देते हो, क्या पता हिस्ट्री में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीच बीच में बताए और आपने स्किप कर दियो वीडियो। आपकी आदत है बीच बीच में जंप मार मार के देखने की, ठीक है ना, तो उसमें आपको ही लॉस होगा और कुछ नहीं है। बाकी सारे अंग मैंने बता दिए। आर्थिक सामाजिक परिषद क्या करती है, कार्य भी बताएं। न्याय परिषद क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, राष्ट्रीय स्तर पर 2 राष्ट्रों के बीच में जो विवाद हो जाते हैं या राज्यों के बीच में जो विवाद हो जाते हैं उनका सोल्यूशन करता है, क्योंकि वो तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे नहीं ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर इनके न्यायालय होते हैं। WHO क्या होता है, इसके कार्य आपको पूछा जाएगा। IMF क्या होता है, इसके कार्य आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया फ्रेंड्स, विश्व बैंक क्या है, उसका कार्य आपको पढ़ के जाना है। और इसके साथ ही ये कुछ अलग से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको अलग से देखना है कि आपने, आपको ये कितना पता है। प्रीवियस नॉलेज चेक कीजिए अपना, और कुछ अगर नया लग रहा है तो उसके आंसर प्लीज़ चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग।